बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थैंक यू आदित्य। सुबह के 9 बजे थे। महिमा रसोई में नाश्ता बना रही थी और उसकी 23 साल की बेटी सुनेहा डाइनिंग टेबल पर अपनी किताब पर झुकी हुई थी और खुले हुए बाल माथे पर गिरे हुए थे। महिमा ने सैंडविच की प्लेट उसके आगे सरकाई तो सुनेहा बिना किताब से नजर उठाए ही खाने लगी। वो बात वैसे ही कम करती थी और इन दिनों MBA फाइनल एग्जाम की तैयारी के चलते किसी न किसी किताब में डूबी हुई ही दिखती थी। महिमा उसके पास बैठकर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म करके सुनेहा ने अपना बैग उठाया और धीमे से बाय बोलकर कॉलेज चली गई। माँ बेटी की यह खामोश दूरी आज की नहीं थी, रोज की थी, और इस दूरी का कारण महिमा के कमरे में था। महिमा अपने कमरे में आई और अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर ये तय करने की कोशिश करने लगी कि आज क्या पहना जाए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी लेकिन कपड़े तय करते समय अपने स्टूडेंट से भी ज्यादा समय लगाती थी। तभी पीछे से उसका 25 साल का बेटा आदित्य बोला, मम्मा साड़ी पहनी है ना, आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो। महिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और नीली शिबोरी प्रिंट की कॉटन साड़ी निकाल ली। आदित्य बोला, वेरी नाइस। एक बात और बता आदि, अपनी साड़ियों के पीछे छिपाया हुआ एक पैकेट निकाल कर शरारत से उसको दिखाते हुए बोली, देख तू हंसना मत ओके, मैं बिट्टू मासी की शादी के लिए ये ड्रेस लाई हूँ, बता तो कैसी लगेगी, मैंने कभी पहनी नहीं ना। देख तू हंस रहा है ना। महिमा पलट कर खुद को आईने में देखने लगी। आदित्य की आवाज आई, अच्छी लगेगी, सबसे खूबसूरत आप ही लगोगी। सच? मैं तो सुनेहा का चेहरा इमेजिन करके हंस रहा हूं, वो आपको इस नए स्टाइल में पसंद करेगी। उसकी बात सुनकर महिमा ने पैकेट बिना खोले ही वापस रख दिया और एक गहरी सांस खींची। वो मुझे वैसे ही कहां पसंद करती है। उसकी आंखों में जहां थोड़ी देर पहले तक शरारत चमक रही थी, वहां अब काले बादल मंडराने लगे। दिल में वही जानी पहचानी टीस उठ गई, अपनी बेटी के दिल के करीब ना होने की टीस। उसे समझ नहीं आता था कि सुनेहा उसके करीब क्यों नहीं है, क्यों उसके साथ झल्लाई हुई खींची हुई रहती है। महिमा ने बेड की तरफ देखा और कहा, अरे अरे अभी तो बेड ठीक किया है, तू उठ वहां से। फिर उसने आदित्य का चेहरा देखा और पलटकर अपने आप को आईने में एक बार और देखा। आदित्य की आवाज आई, वाओ मॉम यू लुक अमेजिंग। थैंक यू आदित्य। वो खुश हो गई। आईने में पीछे का कमरा दिख रहा था। पूरे कमरे में महिमा के अलावा कोई नहीं था। जिस आदित्य से महिमा बात कर रही थी वो पैदा ही नहीं हुआ था। वो तो उसका अजन्मा बेटा है, वो बेटा जो दुनिया में आया ही नहीं, लेकिन जिसकी कल्पना के साथ महिमा 25 साल से रह रही है। अजन्मा बेटा रेशम के धागों से बुना एक ऐसा पुल होता है जिसका एक सिरा असली दुनिया में होता है और दूसरा माँ के दिल में। आदित्य को 25 साल पहले महिमा ने जन्म तो दिया था लेकिन जिंदगी नहीं दे पाई थी। 5वें महीने में उसका मिसकैरेज हो गया था। दुनिया के लिए तो आदित्य पैदा ही नहीं हुआ लेकिन महिमा के लिए उसका वजूद बना रहा। अपनी माँ के दिल में वो पलता रहा, बड़ा होता रहा, बातें करता रहा। महिमा के दिल में एक अलग ही दुनिया बस गई थी। आदित्य उसे पुल के इस पार खींच लेता तो कुछ देर सुकून महसूस कर लेती, फिर लौट आती अपनी दुनिया में, उस दुनिया में जहां सुनेहा थी। वो सुनेहा जिसे उससे उतना प्यार नहीं मिला जितना आदित्य से मिलता था। अक्सर सोचती थी कि क्या उससे कोई गलती तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा आया ही नहीं उसे करीब बनाए रखने के लिए उसने अपने दूसरे बच्चे को दूर धकेल दिया था।
कुछ तो वजह रही होगी कि सुनेहा उससे नाराज ही रहती थी। याद है उसे वो दिन जब 10 साल की सुनेहा ने बड़े चाव से अलमारी से एक बेबी बॉक्स निकाला था। उसमें एक बेबी बुक थी, खाली बुक, कोई नाम, कोई फोटो या हाथ पैर के निशान नहीं। साथ में एक नीले रंग का बेबी स्वेटर, छोटी सी टोपी और जुराब। सुनेहा ने पूछा था, मेरी बेबी बुक कहाँ है, मेरा बेबी स्वेटर कहाँ है? लेकिन महिमा ने दूसरे बच्चे के टाइम न बेबी बुक ली थी न स्वेटर बुना था। ये सुनकर सुनेहा की नन्ही आंखों में दर्द लहरा गया। वो बिना कुछ कहे सब वहीं छोड़कर चली गई। अपने दिल की बात उसने महिमा से न तब कही न उसके बाद। महिमा उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती, उसका अनकहा समझने की कोशिश करती। जब सुनेहा को आदित्य के नाम पर गुस्सा आने लगा तो महिमा ने उसका जिक्र करना भी बंद कर दिया। वही कहती वही करती जिससे सुनेहा नाराज ना हो, लेकिन सुनेहा ने दूरी बनाए रखी। माँ बेटी का रिश्ता अपने आप में बहुत से रंग समेटे हुए होता है। बेटी हमराज भी होती है और सबसे बड़ी आलोचक भी, दोस्त भी होती है और फैशन गुरु भी। कभी माँ बनकर डांटती है, कभी आंसू पोंछती है, कभी हाथ से रसगुल्ले की प्लेट छीन लेती है, कभी चूरन और चॉकलेट जबरदस्ती खिलाती है। महिमा अक्सर सोचती थी कि पता नहीं सुनेहा ऐसी क्यों नहीं है, और अब कुछ दिनों से तो दूरी और बढ़ गई थी। जब से सुनेहा ने बताया था कि वो अपने एक सीनियर राघव से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और वो चाहती है कि महिमा राघव से मिले, तो महिमा ने उखड़ के कहा था, अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करो, मेक अ करियर, फिर शादी की सोचना। सुनेहा उस दिन गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। महिमा उसका गुस्सा देखकर वहीं खड़ी रह गई। आदित्य की तरफ देखकर बोली, ये मेरी कोई बात समझती क्यों नहीं है? आदित्य बोला, पहले आप सच बताओ, राघव से क्यों नहीं मिलना चाहते हो आप? किस बात से डरते हो? आदित्य के सवाल ने महिमा को अपना मन टटोलने पर मजबूर कर दिया। क्यों नहीं मिलना चाहती राघव से? अपने छोटे से परिवार में एक नया मेंबर क्यों नहीं चाहती? यह सुनेहा के चले जाने के बारे में सोचने से ही घबराती है। उसका एक बच्चा आने के पहले चला गया था, दूसरा आया और अब वो भी जाने की बात कर रहा है। क्या यही वजह है? रात को खाना खाते समय भी टेबल पर ज्यादातर चुप्पी ही छाई रही। उसके बाद सुनेहा ने टेबल साफ की और कुछ देर में 2 कप कॉफी लेकर महिमा के पास वाले सोफे पर आकर बैठ गई। दोनों का रोज रात का यही रूटीन था। डिनर के बाद महिमा गजलें लगाती, सुनेहा कॉफी बनाती और फिर दोनों अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाती। लेकिन आज सुनेहा ने अपनी किताब नहीं खोली, सोफे पर पैर ऊपर किए और मोबाइल पर कुछ लिखने लगी। बीप से यह तो जाहिर था कि चैटिंग चल रही है। महिमा उसको कनखियों से देखने लगी। सुनेहा का चेहरा कभी गुलाबी हो जाता, कभी एक हल्की सी मुस्कुराहट से चमकने लगता। महिमा का मन किया उसे निहारती रहे। सुनेहा इससे अनजान राघव से चैटिंग कर रही थी। अगले दिन कॉफी शॉप में मिलने का वादा करके सुनेहा ने फोन नीचे रख दिया। उसकी नजरें महिमा से टकराई तो उसने झेप कर अपनी किताब उठाई और उसमें आंखें गड़ा ली। अगले दिन सुनेहा जब कॉफी शॉप पहुंची तो राघव हर बार की तरह उठा और उसके लिए कुर्सी खींच ली। सुनेहा मुस्कुराई। राघव वॉज अ जेंटलमैन। कार में भी पहले उसके लिए दरवाजा खोलता, फिर खुद बैठता। अभी कह रहा था, सैटरडे को पार्टी में तुम्हारी मम्मी आ रही है ना? सुनेहा ने सर हाँ में हिलाया और फिर एक गहरी सांस ली। अब राघव को मम्मी के बारे में बताना ही पड़ेगा। उससे नजरें चुरा कर बोली, तुम्हें कुछ बताना है मेरी मॉम का। दरअसल बात यह है कि मेरी मॉम का एक इमेजिनरी बेटा है जिससे वो बातें करती हैं। उसे खुद अपनी बात एक मजाक लग रही थी। उसने राघव की तरफ शर्मसार नजरों से देखा। क्या? राघव हंसा, फिर उसका चेहरा देखकर बोला, आर यू सीरियस? सुनेहा ने सर हाँ में हिलाया और फिर धीरे धीरे सारी कहानी बताई। उसके पैदा होने से 2 साल पहले मॉम का मिसकैरेज हुआ था, लेकिन उन्होंने शायद इस बात को कभी माना ही नहीं। किसी के सामने तो जाहिर नहीं होने देती, लेकिन उससे बात करती हैं। डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती, मानती ही नहीं कि उनको इलाज की जरूरत है।
राघव ने टेबल पर रखी हुई सुनेहा की हथेलियां अपने हाथ में ली और उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। सुनेहा की आंखों में अब शर्म के साथ नाराजगी भी उतर आई थी। बोली, वो जानती हैं मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर भी करती हैं। शी शुड जस्ट मूव ऑन, मान क्यों नहीं लेती कि वो नहीं है। सुनेहा की कॉफी ठंडी हो गई थी। राघव ने उसके लिए दूसरी कॉफी मंगवाई। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। सुनेहा का सवाल अब भी उनके बीच एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा था, मम्मी मान क्यों नहीं लेती कि उनका बेटा नहीं है। राघव को याद आया कि एक बार उसने भी यही सवाल पूछा था। एक घूंट में अपनी कॉफी खत्म करके बोला, मैंने तुम्हें कभी अपने दादा के बारे में बताया? सुनेहा ने सर हिलाया। राघव बोला, उनको गैंग्रीन हो गया था, उनका पैर काटना पड़ा था। मैं 9-10 साल का था, उनके पास ही सोता था। वो रात को मुझे कई बार उठा देते, कभी कहते मेरे पैर में खुजली हो रही है, कभी कहते दर्द हो रहा है। सुनेहा ने पूछा, तुम क्या करते थे? राघव बोला, कभी हंस देता था, कभी गुस्सा हो जाता था, तुम्हारी तरह पूछता था कि मान क्यों नहीं लेते कि पैर नहीं है। फिर एक दिन पता नहीं क्यों, जब उन्होंने कहा कि पैर में दर्द है, तो मैंने कुछ देर दबाने की एक्टिंग की। उस दिन वो बहुत आराम से सोए। उसके बाद मैं हर रात यही करता, मेरे सिर्फ मान लेने से उनका दर्द कम हो गया। सुनेहा उसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या सिर्फ मान लेने से किसी अपने का दर्द कम हो जाता है? जो आज नहीं है, जो औरों को नहीं दिख रहा, उसकी कमी भी महसूस हो सकती है क्या? इन्हीं ख्यालों से उलझती हुई सुनेहा को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन छुट्टी थी और महिमा रसोई में हल्की आवाज में गाना गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। आज आदित्य का जन्मदिन है, उसे आमरस बहुत पसंद है, इसलिए वो हर साल आज के दिन आमरस बनाती और फिर मंदिर में उसका भोग लगाती। सुनेहा रसोई में उनके पास आई तो महिमा बोली, आजा बेटा नाश्ता कर ले। नाश्ता देखकर सुनेहा बोली, आज आमरस कैसे बनाया? लेकिन बोलते ही उसकी नज़र उस दिन की तारीख पर गई, 14 जुलाई। तो ये बात है। सुनेहा को गुस्सा आ गया। क्या माँ, दिस इज क्रेजी, आप जानती हो ना कि आपका कोई बेटा नहीं है, फिर क्यों ये सब, क्यों? आमरस की तरफ इशारा करके बोली, आप नॉर्मल नहीं हो, बोलो साइकेट्रिस्ट से कब का टाइम लूं? जब महिमा ने तब भी कुछ नहीं कहा तो सुनेहा चिढ़ के बोली, ओ गॉड, आप मुझे भी पागल कर दोगी, और वहां से चली गई। सुनेहा की बात सुनकर, उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर महिमा सुन रह गई। उसने अपनी आंखें कस के बंद की और तूफान को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसकी कल्पना में आदित्य चटखारे लेते हुए आमरस पी रहा था, कह रहा था, वाओ, आप जैसा आमरस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। महिमा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद आदित्य की आवाज आई, अगर सुनेहा इतना कह रही है तो चले जाओ ना डॉक्टर के पास, वो आपका इलाज कराना चाहती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? महिमा उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, प्रॉब्लम है, अगर इलाज कराया तो तू चला जाएगा। महिमा को रसोई में बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। आमरस वहीं रखा था। मंदिर जाने का समय निकल चुका था। सुनेहा के गुस्से का धुआं महिमा के दिल में उदासी की गर्द छोड़ गया था। कुछ देर पहले सुनेहा अपना पर्स लेकर बिना कुछ कहे बाहर चली गई थी। बोझिल पैरों से उठकर महिमा अपने कमरे में आई और पर्दे बंद करके लेट गई। सुनेहा की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं। वहां सुनेहा राघव के साथ बैठी थी। उसकी आंखें भरी हुई थीं। मम्मी के साथ हुई बात बताकर उसकी आंखें छलकने लगी थीं। उसकी बातें सुनकर राघव कुछ और ही सोच रहा था। उसके जहन में सुनेहा की मम्मी की तस्वीर खिंच गई थी। कितना प्यार भरा होगा उनके दिल में। सुनेहा तो शायद समझती भी नहीं है कि जो माँ अपने अजन्मे को इतना प्यार करती है, वो अपने जाए को कितना प्यार करती होगी। राघव बोला, यार तू अपनी मम्मी को इतना जज क्यों करती है? हाँ, तुझे वो इतनी गलत क्यों लगती हैं? तू मान लेना कि उनके लिए यही सच है, बस। उसकी बात सुनकर सुनेहा सोच में पड़ गई। क्या वाकई वो ऐसा ही कर रही है? अपनी माँ के दर्द को बीमारी समझ रही है?
और यही नहीं, उनको इस बात के लिए दोषी मान रही है। सुनेहा की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूम गया। उसकी कड़वी बातों से पहले कितनी खुश होकर आमरस बना रही थी, फिर कैसे उदास होकर वहीं बैठ गई थी। पता नहीं मंदिर गई भी या नहीं। उधर घर में महिमा को अंधेरे कमरे में लेटे हुए कई घंटे हो गए थे। आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आदित्य बातें कर रहा था, लेकिन आज उसके बहलाने से भी महिमा का दिल हल्का नहीं हो रहा था। बाहर बारिश की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। आदित्य बोला, मम्मा याद है जब हम नैनीताल गए थे। महिमा ने सर हिलाया। वो बोला, मैं 5 साल का था ना। सुनेहा प्रैम में थी और हम झील के किनारे वॉक कर रहे थे, फिर वहीं बेंच पर बैठ गए थे। ऐसी बारिश थी, याद है? तब आपने बताया था कि पापा हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो जा रहे हैं। याद था महिमा को, बहुत स्याह दिन थे वो, अकेलेपन और उदासी से भरे हुए। आज भी याद करके घबरा जाती थी। आदित्य बोला, आपको याद है मैंने क्या कहा था? महिमा की आंखें गीली थीं, लेकिन उनमें से एक हल्की सी रोशनी झांकने लगी, जैसे काले बादलों के बीच से सूरज की एक किरण उसे चीरती हुई निकलती है। बोली, याद है तूने कहा था मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आदित्य बोला, अभी भी यही कह रहा हूं मम्मा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। डॉक्टरों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं जिससे वो एक माँ के दिल से उसका बच्चा निकाल सकें। महिमा आदित्य की तरफ देखती रह गई। ठीक ही तो कह रहा है, ये उसकी दुनिया है, इसमें आदित्य है और हमेशा रहेगा, ये सच नहीं बदलेगा। एक दूसरा सच ये भी है कि बच्चे बड़े होते हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए घर से दूर चले जाते हैं, लेकिन माँ के दिल से तो दूर नहीं होते। अपनी आंखें पोंछ कर महिमा उठकर बैठ गई। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराया, बोला, मम्मा सुनो चलो नैनीताल चलते हैं, राघव की फैमिली को भी ले चलते हैं। महिमा ने हैरानी से उसे देखा, पागल हो गया क्या? आदित्य जिद करने के लहजे में बोला, सुनो तो वहीं उसका इंटरव्यू करेंगे, उससे बोटिंग करवाएंगे, अगर उसने चप्पू ठीक चला लिए मतलब वो गृहस्थी भी ठीक चला लेगा, लड़का पास। महिमा के होठों के कोने ऊपर उठने लगे। और अगर उसने हमें वहीं लेक के बीच में फंसा दिया तो? गंभीर मुद्रा बनाकर आदित्य बोला, तो लड़का फेल। महिमा हंसने लगी, आदित्य भी उसके साथ हंस पड़ा। फिर कोई चप्पू चलाने वाला लड़का ढूंढेंगे, सुनेहा के साथ गुजारा करना वैसे भी तूफान में कश्ती चलाने जैसा है, ये तो जब से पैदा हुई है। महिमा ने हंसते हुए उसकी बात पूरी की, गुस्से में ही रहती है। महिमा जोर से हंसने लगी। बंद दरवाजे के बाहर से सुनती हुई सुनेहा की आंखें गीली हो गईं। जब वो वापस आई तो घर की लाइट बंद थी, रसोई भी सुबह की ज्यों की त्यों थी। देखकर वो घबरा गई, मम्मा कहाँ है, मेरी बातों से उदास हो गई होंगी। घबराकर उनके कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अंदर से जब मम्मा के हंसने की आवाज आई तो उसने मन ही मन कहा, शुक्र है मम्मा ठीक है। आज पहली बार समझी थी वो कि मम्मा क्यों ठीक है। मन में बोली, थैंक यू आदित्य। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर सारी तैयारी करके सुनेहा ने आवाज दी, डिनर्स रेडी। महिमा ने आदित्य की तरफ हैरानी से देखा, जैसे पूछ रही हो आज सूरज कहाँ से होगा। लेकिन जब उसने टेबल देखा तो देखती रह गई। सुनेहा ने बढ़िया क्रॉकरी सजाई थी, अपने हाथ का बना हुआ चावल का पुलाव और रायता रखा था, गुलदान में सफेद रजनीगंधा के फूल सजाए थे, टेबल के बीच में आमरस के साथ केक रखा था। केक पर जलती हुई मोमबत्ती को बुझाकर सुनेहा गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदित्य। फिर केक का एक बड़ा सा पीस काट कर महिमा को देते हुए बोली, ये भाई को खिला दो, उनका फेवरेट मैंगो फ्लेवर है, राघव ने भेजा है। महिमा की आंखें झिलमिलाने लगी, सुनेहा की आंखें भी नम हो गईं। आई एम सॉरी मम्मा। महिमा की आंखें भीग गईं, लेकिन दिल हल्का महसूस हो रहा था। आज उसकी बेटी ने उसका दर्द साझा जो कर लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।